जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है एडवांस मैथ्स, और एडवांस मैथ्स के अंतर्गत हम करने वाले हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल में हम इससे पहले हमने तीन चार डाले हैं, लेकिन प्रथम दो वीडियो हमने जो डाले हैं इस प्लेलिस्ट में, वो हमारा बेसिक वीडियो था। उसमें कोण की चर्चा है, भुजाओं की चर्चा है, त्रिभुज की चर्चा है, और तीन चार थ्योरम की चर्चा है जिस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। यदि वो क्वेश्चन आपने नहीं देखा है या फिर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, तो वो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को या फिर इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। चैनल पर नए हैं तो पहले पूरे वीडियो देख लीजिए, वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम बढ़ने वाले हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और ये बता दें कि अभी हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना, या फिर अगर क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, वो क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है। इसके बाद छत्तीसगढ़ या व्यापम के द्वारा पूछे गए एडवांस मैथ्स या फिर ट्राइंगल से संबंधित क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो एग्जाम के जो क्वेश्चन आते हैं, वो रेलवे या फिर एसएससी से उसका लेवल कम रहता है। यदि कोई बच्चा रेलवे या फिर एसएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, उसके लिए छत्तीसगढ़ के लिए जो मैथ्स आता है, या किसी भी मैथ्स का प्रोसेसर हो, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, अरिथमेटिक हो, या एडवांस मैथ्स हो, या फिर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, जो भी है, उसके लिए बहुत आसान हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। तो हम अपने वीडियो में आज आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एडवांस मैथ्स में ए बी सी डी की हमको वैल्यू ज्ञात करनी है, जो हमारे डिग्री में, ठीक है। इसको ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए हम क्या अप्रोच लगाएंगे इसमें। हमको त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। सबसे पहले हम इसको कुछ मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 होता है, पर हमको एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 180 में हम -70 करेंगे। क्यों, क्योंकि तो हमको एक वैल्यू दी गई है, तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 110, ठीक है। इतना याद रखिएगा, है ना। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बच्चे टाइप का, वो आप बाद में देखते रहिएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट थ्योरम ये रहता है कि एक सीधी रेखा पर जितने भी आप कोण बनाए, वो सारे 180 अंश के होंगे, उनके टोटल, ठीक है। तो एक सीधी रेखा क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, यदि मैं इसको P बोलता हूँ, यदि इसको Q बोल देता हूँ, और इसको R, है ना। तो P से Q तक देखिए कितने कोण बने हैं, D, X और A, ठीक है। क्या बने हैं बोला मैं, D प्लस X प्लस A बना है, ठीक है। इन तीनों का योग होगा 180, चलिए ठीक है। उसी प्रकार हम देखते हैं Q और R में, देखते हैं ये Q है ना, ये R है। Q से R तक कितने कोण बने हैं, एक ही लाइन पे तीन कोण बने हैं, तो ये हो गया B प्लस वाई प्लस सी है ना, ये भी हो जाएगा 180। अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। 180 180 हो जाएगा 360, ठीक है। हमको एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात है, कितना है, 110 है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 माइनस 110, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, 360 में 110 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 250, है ना। ये किसकी वैल्यू है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के, और यही हमको ज्ञात करना था, ऑप्शन नंबर B है, ठीक है। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, ट्राइंगल का ही क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में, इसमें दिए गए चित्र में ABCD में, या त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में ED BD EC और BC इक्वल लाइन है, ठीक है। तब हमको कोण A अनुपात कोण B ज्ञात करना है, ये अनुपात का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये मान के चलिए आपको, है ना, कुछ कुछ थ्योरम आपको रटा होना चाहिए या फिर याद होना चाहिए, ताकि आपकी थ्योरम बेस ही पूरा बनेगा। सबसे पहले हम इस A को मान लेते हैं थीटा, ठीक है, थीटा मान लिए। अब देखिए त्रिभुज में देखना है ना, सबसे पहले देखिए त्रिभुज ADE में, ठीक है, ये ADE में सबसे पहले क्या देखना है, अब मैं एक नंबर डाल देता हूँ, त्रिभुज ADE में देखना। ADE में देखेंगे तो देखिए ये आपका बराबर है और ये बराबर है, इसका मतलब है कि DE की सामने की भुजा थीटा है, और DE बराबर होता है AD, तो AD के सामने की कोण भी थीटा ही होगा, ठीक है। ये कैसे, जब कोई भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, तो उसके आमने सामने की कोण भी बराबर होता है, ये हमने चिल्ला चिल्ला के बता दिया है,
ठीक है। दूसरा हम चलते हैं कौन से त्रिभुज पर, है ना, दूसरा हम चलते हैं इसी त्रिभुज पर देखेंगे, एडीई में ही देखेंगे। एडीई में कोण डी को देखिए, क्या ये कोण ई और ए का बाह्य, सॉरी ये एक बाह्य कोण है ना, ए डी को, है ना, ए डी का ऐसे डी से ई तक देखेंगे तो ये बाह्य कोण है। और बाह्य कोण का मतलब क्या होता है कि अंदर के दो कोणों का योग होता है बाह्य, ठीक है। तो कोण डी, तो कोण ए डी, सॉरी ए से ना लिख के मैं दूसरे से लिखता हूँ ताकि आराम से बन जाए ना, ये देखिएगा। तो कोण हमारा इसको निकालना, तब क्या लिखेंगे, ई डी, कोण ई डी सी में, या फिर कोण ई डी सी, कोण ई डी सी का वैल्यू हो जाएगा, कोण ई डी सी का वैल्यू हो जाएगा हमारा थीटा प्लस थीटा। अभी थीटा प्लस थीटा क्या है, तो कोण ए प्लस कोण ई है अंदर वाला, है ना, तो कोण ए प्लस कोण ई, तो ये हो जाएगा 2 थीटा। तो इस डी का वैल्यू आ गया 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज किसमें, एक और त्रिभुज दिखा रहा हूँ आपको, उसमें देखिएगा, तो त्रिभुज डी ई सी में देखिए, डी ई सी में, है ना, त्रिभुज डी ई सी में, डी ई सी, ठीक है, ये देखिए डी ई सी में, ये डी ई और ये सी में देखिए, देखिए ये भुजा बराबर है और ये बराबर है, ठीक है। इस भुजा के सामने की वैल्यू 2 थीटा है और इसी भुजा की लंबाई ई डी की बराबर है, तो इसके सामने वाला भी 2 थीटा होगा, ठीक है, 2 थीटा होगा। तो हमने क्या निकाल लिया, कोण सी, कोण ए सी बी की वैल्यू, सॉरी कोण ए सी और ई की वैल्यू हमने 2 थीटा निकाल लिया, ठीक है। अब फाइनल स्टेप देखिएगा तीसरे में, इतने हमारा क्वेश्चन बनेगा। त्रिभुज आपको जो दिखना है, दिखा रहा हूँ उसमें देखिएगा, ए ई सी में, ए ई सी में देखिए। अब ये जो कोण ई है वो कोण बाह्य कोण है ना, इस त्रिभुज का बाह्य कोण है और इस बाह्य कोण का योग थीटा प्लस 2 थीटा के योग के बराबर होगा। तो कोण क्या बोला हमने, बी ई सी में, ठीक है, बी सी का वैल्यू, या फिर का वैल्यू, ठीक, तो बी सी का वैल्यू हो जाएगा थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 थीटा। अब देखिए त्रिभुज एक और देखना है लास्ट, है ना, मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन बनाएंगे एग्जाम में तो इससे फास्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज आपको देखना है बी ई सी में, ठीक है, बी ई सी में देखना है। तो ये त्रिभुज का ये जो है भुजा बराबर है और बी सी बराबर है, ई सी और बी सी बराबर है, तो बी सी के सामने की भुजा 3 थीटा है, तो ई सी के सामने की थीटा जो है ये भी 3 थीटा हो जाएगा, मतलब कोण बी बराबर 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। पूछा क्या गया है, कोण ए, सॉरी, है ना, कोण ए और बी, तो कोण ए तो हमने थीटा माना है तो ये थीटा हो गया, कोण बी हमने अभी निकाला है तो ये हो जाएगा 3 थीटा। तो थीटा से थीटा कटा और यहाँ एक है ऑलरेडी, तो ये क्या हुआ, 1:3, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, तो ये हो गया हमारा 1:3। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, है ना, त्रिभुज सबसे पहले ए बी सी बना लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज हम क्या करेंगे, एक ए बी सी त्रिभुज बना लेंगे, तो त्रिभुज कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार बनाना है, देखते रहेगा, है ना, ये त्रिभुज हमने बना लिया इस प्रकार, इसके नाम पर करते हैं, बी ऊपर रख देते हैं, ए और सी नीचे डाल देते हैं ताकि हमको दिक्कत ना। अब ए सी पर कोई डी बिंदु है तो ये लीजिए, हमने डी एक बिंदु बना दिया, और ए बी और बी डी बराबर है, ये हो गया ए बी, और एक बी डी बनाते हैं यहीं से, ये देखिए ये बी डी है, ये बराबर है और ये बराबर है, ठीक है। साथ में डी सी भी बराबर है, ये डी सी भी बराबर हो गया। अब हमको कुछ वैल्यू दिया गया है तो वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, कुछ वैल्यू हमको दिया गया है, तो दिया क्या गया है, त्रिभुज बी ए डी, बी ए डी मतलब इसकी बात कर रहा है ये, तो ये है 70 अंश, ठीक है, बना दिए। हमको कोण बी की वैल्यू ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे भी आप त्रिभुज एक देखिए, त्रिभुज किसमें, ए बी और डी में, है ना, ये दोनों आपस में बराबर है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी तो ये भी 70 हो जाएगा, ठीक है। तो कोण डी बराबर 70 हो गया, ठीक है, कोण डी बराबर हो गया 70 अंश। हमको वैल्यू किसका ज्ञात करना है, ऊपर बी का ज्ञात करना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब त्रिभुज देखिए हमको ए बी डी में ही देखिए, ए और डी की वैल्यू कितनी है, एक 70 70, 140 हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है कितना, 180, 170, देखिए हमारे पास 70
प्लस 70 है प्लस कोण हमको ए बी डी ज्ञात करना है, ठीक है। तीनों मिला के होता है 180, ठीक है, तीनों मिला के होता है 180, तो ये हो गया 140 प्लस कोण ए बी डी इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोण ए बी डी बराबर 180 में 140 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40, तो इतने का वैल्यू आ गया 40, सॉरी इतने की वैल्यू आ गई 40, ये 40, ठीक है। अब बी ज्ञात करना है तो हमको इस साइड का भी पता होना चाहिए। अब देखिए त्रिभुज किसमें देखना है, ये देखिए त्रिभुज डी बी सी में, ठीक है, त्रिभुज बी डी सी में क्या है ये देखिए, तो ये जो कोण डी है बी और सी का बाह्य कोण है, बाह्य कोण है तो अंदर भी दोनों बराबर होंगे, और ये मजे की बात ये देख लीजिए कि डी सी और बी डी इक्वल हैं, इसकी जो भुजाएं हैं इक्वल हैं, तो 70 को हम इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो ये 35 हो जाएगा और ये भी 35 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको बी निकालना है तो बी के हमको दो मान मिल गए, कोण बी बराबर है हमारे पास 40 प्लस 35, जोड़ेंगे तो कोण बी का मान आ जाएगा हमारे पास 75 अंश, तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू टी लंब है पी आर पर, एस क्यू आर पर कोई एक बिंदु है, ठीक है, और कोण पी एस क्यू की वैल्यू है पी थीटा पी अंश, यदि कोण क्यू सॉरी कोण टी क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 46, तो हमको ज्ञात करना है पी का मान क्या। इसके लिए हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो एक बड़ा सा त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, ये हमने बड़ा सा एक त्रिभुज बना लिया। इसके अंदर क्या कहा गया है तो हम कुछ नए इसमें ले लेते हैं कलर में, ये पहले इसका नामकरण कर लेंगे, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर, तो ये हो जाएगा पी क्यू और आर, ठीक है, क्यू टी आर पर पी आर पर लंब है, तो यहाँ से क्यू निकाल के यहाँ पे टी पे लगा दीजिए, इस पर लंब है, लंब का मतलब समझते हैं इधर 90 डिग्री और नीचे 90 डिग्री नहीं कहा गया है। अब कौन कोई एस बिंदु है क्यू आर पर, क्यू आर कहाँ पे, ये क्यू से लेके आर तक है, तो यहाँ पे कोई एस बिंदु लगा देते हैं, ये एस, और इस एस को हम पी से मिला देते हैं, ये हमने पी से इसका मिलन करा दिया। अब क्या कहता है कि इसकी वैल्यू हमको दे दी गई है पी, ठीक है, और कौन पी एस क्यू पी एस क्यू पी दे दिया, टी क्यू आर दे दिया, तो टी क्यू आर, तो ये दे दिया गया है हमको टी क्यू आर 46, ठीक है, ये 46 हो गया, और एस पी आर दे दिया गया है, तो एस पी आर दे दिया गया है 32 अंश, इसका वैल्यू दे दिया गया है हमको 32 डिग्री। इस पी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, पी का मान क्या। अब जो त्रिभुज दिखाया जा रहा है उसको देखिए, एग्जाम में आपको इसी प्रकार बनाना है फास्ट तरीके से, त्रिभुज देख लीजिए क्यू टी आर में, क्यू टी आर में हमको दो कोण हमको मिल गए हैं, तो कोण ये 90 और 46 है ना, टोटल होता है 180, तो 90 प्लस 46 प्लस आर, ये कोण आर वाला, हम उनको ये ज्ञात करना है फिलहाल, ये होता है 180, ठीक है, तो कोण आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 प्लस 46 को आपको 80 में माइनस करना है, 80 में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 44 अंश, तो इसका वैल्यू आ गया 44 अंश, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 44 अंश। अब देखिए क्या है, हमको इस पी की वैल्यू ज्ञात करनी है ना, इस पी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है, हमको क्या करना है, इस पी की वैल्यू ज्ञात करनी है, इस पी की वैल्यू, देखिए इस पी की वैल्यू ज्ञात नहीं करनी है, ये केवल नाम लिखा गया है या फिर इसमें लोग कन्फ्यूजन भी हो सकते हैं, तो हमको इस पी की वैल्यू ज्ञात, अब इस पी की वैल्यू ज्ञात कैसे करेंगे, ये देखिए हम दोनों पी की वैल्यू एक बार निकाल के देख सकते हैं, हो सकता है उस पी का मान पूछा होगा, हम पहले दोनों पी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अब त्रिभुज देखिए पी एस आर में ये पी जो है बाह्य कोण है किसका, पी और आर का, पी की वैल्यू देखिए, हम सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये बाह्य कोण होने की वजह से तो 32 प्लस 44 का योग हो जाएगा पी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, तो एक प्रकार की हमारा 76 यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है, 76 हमारा आंसर आ गया। यदि हम इस पी की बात करेंगे तो ये 76 से ऊपर चला जाएगा,
फिर भी एक बार लगा के देखते हैं, यदि इस p का मान ज्ञात करना रहेगा तब हम इस प्रकार प्रोसेस करेंगे। यदि इस p का मान ज्ञात करना रहेगा तो हमको इसका भी मान ज्ञात करना पड़ेगा, इसका भी मान ज्ञात करना पड़ेगा। फिलहाल वैसे तो मान ज्ञात कर सकते हैं लेकिन पूछा इसी p के बारे में गया है, तो हमारा आंसर आ गया 76। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके इमेज के माध्यम से कि दिए गए त्रिभुज में, ठीक है, दिए गए त्रिभुज में यदि ए डी बराबर बी डी बराबर ए सी है, ठीक है, ए डी बराबर बी डी बराबर ए सी है। जैसे देखिए डबल डबल दिखा ना एग्जाम में, हमेशा देखिएगा जो जो त्रिभुज बराबर होंगे या फिर जो जो रेखाएं जो बराबर होंगी, जो भुजाएं बराबर होंगी, उसमें सिंगल या डबल इस प्रकार से उसको लाइनिंग किया गया रहेगा। आप इसको आराम से सब पता कर लेंगे। अब देखिए कौन सी का हमको मान पूछा गया है, इस सी का मान पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपके दो ही कंसेप्ट काम करेंगे, बाह्य कोण वाला है ना, और एक काम आपको करने वाला है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं की योग, ठीक है। इन इन सबसे आपका क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इन सबसे सब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो हम इसको ना थीटा मान लेते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ मान के चलना पड़ेगा, तो हम इसको मान लेते हैं थीटा। थीटा अब देखिए त्रिभुज में किस कौन से त्रिभुज में देख रहे हैं, तो ए डी सी में देखिए, ये दोनों बराबर हैं, है ना, दोनों बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ये कोण क्यू किसका भुजा है, तो ए और डी का भुजा है, और ए और डी बराबर है बी सी के, ए डी बराबर है ए सी के, तो ये वाला भी हमारा थीटा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसलिए, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होने की वजह से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बैठ जाता है। अब क्या करना है, देखिए देखिए ये जो थीटा है ना, इसका और इसका बाह्य कोण है क्या, तो किसमें, त्रिभुज में, त्रिभुज मैं नंबर कर देता हूँ एक और ये दो, है ना, लाइन से लग जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो त्रिभुज ए बी डी का ये जो कोण जो है ये बाह्य कोण है, और बाह्य कोण जो है बाकी शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है ना, इसकी वैल्यू दिया नहीं गया, तो इसको क्या कर लेते हैं, थीटा बटे टू कर लेते हैं, इसको भी हम थीटा बटे टू कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेखाएं बराबर हैं, तो उसकी आमने सामने भुजाएं भी बराबर होंगी, इन दोनों को जोड़ेंगे थीटा बटे टू और थीटा बटे टू को, तो हमको थीटा अल्टीमेटली मिल जाएगा, ठीक है, थीटा हमको अल्टीमेटली मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा इस प्रकार के, ज्ञात क्या करना था, तो कौन सी का क्या मान ज्ञात करना है, ठीक है, मतलब हमको थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखिए एक और क्या देखना है, हमको एक सवाल दिया गया है, 108 जो है, हम यदि हम त्रिभुज में देखिए, एक बड़ा त्रिभुज में आप नजर डालिए, मैं सभी कुछ लिख नहीं रहा हूँ, आपको सुन के लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो त्रिभुज बड़े में नजर डालिए, ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी में ये जो ए को थोड़ा बढ़ा के बाह्य कोण बनाया गया है 108, ये जो 108 है बाकी बी और सी के योग के बराबर होगा ना, क्योंकि बाह्य कोण है, बाह्य कोण है तो दोनों के योग के बराबर होगा, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो कोण थीटा प्लस थीटा बटे टू हो जाएगा 108, ठीक है, थीटा बटे टू थीटा 108 हो जाएगा, फिर ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 थीटा बटे टू और 108, ठीक है। यदि हम इसको काटा फिटा करेंगे तो सबसे पहले सबसे काटा फिटा कर लीजिए, काट फिट करेंगे तो हमको आज मिल जाएगा थीटा बराबर 108 गुना 2 आगे 3, ठीक है, ये सब करने के बाद हमको मिल जाएगा 64 आंसर, ठीक है, 64 आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा, 3 या 27, 3 और 3 6 18, तो 36 दुनी 10 है ना, 3 और 3 6 18, और इसमें 36 दुनी 72 आने वाला है ना, सॉरी इसमें 36 दुनी 64 नहीं आएगा, क्योंकि ये 36 हो जाएगा, तो 36 दुनी 72 आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना, ये गलत है, ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने। अब देखते हैं अब क्या कहा गया है, त्रिभुज हमको दिया गया है पी क्यू आर में, भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ा दी गई है, और आर एस पी आर बराबर है, क्यू पी एस 110 अंश है, ठीक है, क्यू पी एस जो है 110 अंश है, और पी आर क्यू 70 डिग्री है। ज्ञात करना है पी क्यू आर का मान, ठीक है, पी क्यू आर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, त्रिभुज ड्रॉ करने के बाद देखिए इस प्रकार त्रिभुज हमने ड्रॉ कर लिया, त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। अब कहा क्या गया है, पी के बढ़ा गया ना, एक मिनट, ये गलत हो गया, छोटा त्रिभुज बना के इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे।
छोटा त्रिभुज बना के स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक छोटा त्रिभुज बना लिया गया। ये क्या है हमारा, पी क्यू आर है, तो पी क्यू और ये आर आ गया है, क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया, तो क्यू आर को हम इस प्रकार एस तक बढ़ा देते हैं, ये एस तक बढ़ा दिए और इसको पुनः मिला देते हैं, ये इस प्रकार ठीक है बढ़ा दिया। अब आर एस बराबर है पी आर का, आर एस कौन सा है, ये आर एस है, ये आर एस है बराबर किसके, पी आर का, इसके बराबर है ठीक है, ये दोनों बराबर है। अब जो मान दिए है उसको रखते जाइए और आंसर लाते जाइए, क्यू पी एस, क्यू पी एस मतलब इस पूरे की वैल्यू दे दिया गया है हमको 110 डिग्री ठीक है। कोण क्यू पी क्यू पी आर क्यू, पी आर क्यू ठीक है, पी आर क्यू हमको दे दिया गया है 70 ठीक है। पूछा गया है पी क्यू आर, पी क्यू आर हमको इसका मान बताना है ठीक है, इसका हमको मान बताना है। अब कैसे बताएंगे देखिए, अभी हम जो थ्योरम लगाते हैं वही देखिएगा, तो त्रिभुज पी आर एस में देखिए ये दोनों भुजाएं बराबर है और जो आर है इस पी और एस के बाह्य कोण है ना, बाह्य कोण से इन दोनों का योग हो जाएगा ये ठीक है। तो कोण जो है आर की जो वैल्यू है कोण पी और एस के कोण के योग के बराबर होता है। चलिए अब बाह्य कोण का मैं पूरा पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यदि मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा इसमें लिख देता हूँ है ना, तो कोण पी आर क्यू बराबर आपका हो जाएगा कोण आर पी एस प्लस कोण आर एस पी ठीक है, इन दोनों के योग के बराबर होगा क्योंकि ये हमको दे दिया गया है 70। बाकी इन दोनों को हम बराबर बराबर भाव बांटेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो भुजाएं हैं आपस में बराबर हैं इसलिए ये दोनों कोणों का योग बराबर होगा। 70 को दो भाग में कैसे बांट सकते हैं, तो 35 प्लस 35, तो ये 35 और ये वाला 35, ये 35 ठीक है, ये 35 इतना समझ में आया। अब पूछा क्या गया है, पी क्यू आर पूछा गया है, तो पी क्यू और आर पूछा गया है ठीक है, पी क्यू और आर पूछा गया है। वैसे तो हमको इसकी जरूरत नहीं था, तो पी क्यू आर हम सबसे बड़े त्रिभुज में चले जाते हैं, त्रिभुज पी क्यू एस में ठीक है, कोण क्यू प्लस कोण एस प्लस कोण पी ठीक है, तो कोण क्यू हमको पता नहीं है वही ज्ञात करना है, प्लस तीनों को जो हो जाएगा 180 है ना त्रिभुज है, तो कोण एस की वैल्यू है हमारे पास 35, कोण पी की वैल्यू है हमारे पास 110 और ये हो जाएगा 180 ठीक है। देखिए अब टोटल हमको 180 चाहिए, इक्वल टू के इस पार और इस पार दोनों वैल्यू समान होना चाहिए, तो 110 और 35 है ना ये जोड़ेंगे और कोण क्यू का मान यदि हम 35 रखें तो 35 35 70 और 110 180 हो जाएगा, या इसी को हम पक्षांतर करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप लॉजिक तरीके से बनाइएगा है ना। इक्वल टू दिया गया इसका मतलब ये 180 बराबर है, तो इतना भी मिला के 180 होना चाहिए। यदि हम कोण क्यू का मान 35 रख लेते हैं तो सभी हो जाएगा 180 ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर 35 आंसर ठीक है। तो कोण क्यू की मान कितना है, सी 135 आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जहां ए बी बराबर है बी सी के और ए डी कोण बी ए डी का समद्विभाजक है, तो बीटा का मान हमको ज्ञात करना है। क्या कहा गया है हमको, इसमें बीटा का मान ज्ञात करना है ठीक है। अब इस कोण में हमको बीटा का मान ज्ञात करना है, बीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे ये देखिएगा, तो मैं देखिए ए और डी जो इसका समद्विभाजक है, देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़ते जाएगा फिर आपको बहुत अच्छे समझ आएगा, ये ए डी जो है कोण बी ए डी का समद्विभाजक है ठीक है, कोण बी ए डी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है मतलब ये थीटा हो जाएगा आधा और ये थीटा हो जाएगा ठीक है। क्वेश्चन में और क्या दिया गया है, ए बी बराबर बी सी है, तो ए बी बराबर है बी सी के ठीक है, और कोण ए का मान याद करेंगे तो ये हो जाएगा जोड़ में 2θ हो जाएगा। अब देखिए इस बी सी के सामने वाले की भुजा का कोण का वैल्यू हो जाएगा 2θ,
क्योंकि BC और EB बराबर है इसलिए इसका भी मान हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, इसका भी मान हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए, अब सबसे बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं। तो BAC या फिर ABC जो भी आप लिखना चाहें लिख लीजिएगा, हमको सभी का मान योग करना है। तो हम क्या करेंगे, कोण B प्लस कोण A प्लस कोण C, ठीक है, इज इक्वल टू 180 अंश। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम क्या लिखेंगे, बी बी को हम क्या लिख सकते हैं, ये अल्फा है ना, पूरा बी है, तो अल्फा प्लस 3 अल्फा, ये हो जाएगा हमारा 4 अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 अल्फा। ए की वैल्यू देखिए, ये ए है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 थीटा। प्लस सी की वैल्यू है यहाँ पे 2 थीटा इज इक्वल टू 180। ठीक है, 180 हो गया। अब क्या करना है, ये देखिए, ये हो गया हमारा टोटल 4 अल्फा प्लस 4 थीटा बराबर 180 अंश। ठीक है, ये हो गया। अब जो है अल्फा और थीटा को हम बाहर करेंगे तो 4 हमको मिल जाएगा, तो ये 4 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये अल्फा प्लस थीटा, ये अल्फा है ना, ये ए जैसा दिख रहा है, और ये हो गया 180 अंश। ठीक है, नेक्स्ट मैं इधर लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा प्लस अल्फा बराबर 180 माइनस, सॉरी माइनस नहीं होगा क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा, 180 डिवाइड बाय 4। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये देखिए इसका आंसर आ जाएगा 45। ठीक है, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, 4 4 16, 16 में 4 और 4 5 20, तो ये हो जाएगा टोटल 45 बार में कटेगा, ये 45 बार में कटेगा। तो हमारे पास अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू आ गई 45। अब देखिए, हमको अल्फा प्लस थीटा तो पूछा नहीं गया है, हमको पूछा क्या गया है, हमको बीटा पूछा गया है ना, हमको बीटा पूछा गया है। तो बीटा कैसे निकालेंगे, अब ये देखिए ना, ये भी हमारे बाह्य कोण से बनेगा। बाह्य कोण कैसे बनेगा, एक त्रिभुज दिखा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। त्रिभुज बी, इसको कोई नाम दे देता हूँ क्योंकि नाम दिया नहीं गया है, इसलिए ये ओ दे देता हूँ मैं, है ना, बी ओ ए में, ना बी ओ ए में ये जो भुजा है ना, इस भुजा को आगे बढ़ा के हमको कोण मिलाया गया है बीटा, और बीटा की वैल्यू बाह्य कोण है, तो इसके शेष दो त्रिभुज के शेष दो भुजाओं के, सॉरी कोण के योग के बराबर होगा। तो बी ओ ए में हमारा बी बचता है और ए बचता है, तो बी ओ ए में तो अल्फा प्लस थीटा बराबर होता है बीटा, अल्फा प्लस थीटा बराबर बीटा, और अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू है 45। इस प्रकार बीटा की वैल्यू हो गई 45। सारे बाह्य कोण के थ्योरम से बन रहा है, अभी तक कोई थ्योरम हमने अभी तक नहीं बताया आपको, सारे थ्योरम बाह्य थ्योरम के, बाह्य कोण थ्योरम, या फिर किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होती है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन बस इर्द गिर्द घूमते घूमते हमने आपको इतना क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।